सिर्फ एक चम्मच घी में भून कर खा लो, पूरी जिंदगी शुगर रोग, कोलेस्ट्रॉल, पेट के रोग, मोटापा, जोड़ों व घुटनों का दर्द, शरीर की कमजोरी, अनिद्रा, कमजोर आंखें और ये दिल की बीमारियां आपको कभी नहीं होंगी। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमत्कारी नुस्खे को बनाकर दिखाएंगे और आपने इसकी सिर्फ एक चम्मच का हर रोज घी में भूनकर सुबह खाली पेट यानी कि बासी मुंह आपने उसका सेवन करना है। और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे कि आपका शरीर बिल्कुल निरोगी बन जाएगा। दोस्तों आपके शरीर की हर तरह की कमजोरी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी और आपका शरीर ताकतवर और फौलादी बन जाएगा। आपके शरीर के अंदर सांड जैसी ताकत आ जाएगी। दोस्तों कमजोरी क्या है आप बिल्कुल भूल जाएंगे। दोस्तों यदि आपको मोटापा है और आप अपने पेट की बढ़ी हुई चर्बी को कम करना चाहते हैं तब भी दोस्तों आपने इसके सिर्फ एक चम्मच को हर रोज देसी गाय के घी में भूनकर इसका सेवन करना है। और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके पेट की चर्बी मक्खन की तरह पिघल जाएगी क्योंकि ये फाइबर का भरपूर सोर्स है जो आपके पेट को देर तक भर रखता है और आप अधिक खाना खाने से बचाते हैं जिससे कि आपका मोटापा बड़ी ही तेजी से कम होता है। दोस्तों क्या आपको पेट के रोग हैं? आपको पेट में गैस, कब्ज और एसिडिटी की समस्या रहती है तो दोस्तों तब भी ये सिर्फ एक चम्मच आपके लिए वरदान की तरह काम करेगा। और दोस्तों यदि आप इसका सेवन हर रोज एक चम्मच गाय के घी में भूनकर करेंगे तब आप देखेंगे कि आपको पेट के रोगों से छुटकारा मिल जाएगा, आपका पाचन तंत्र मजबूत बन जाएगा क्योंकि ये फाइबर का भरपूर सोर्स है। और यह तो आप जानते ही हैं कि फाइबर आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने का काम करता है और यदि आपका पाचन मजबूत होगा तब आपको पेट में गैस, कब्ज और ये एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। और दोस्तों हमारे शरीर के 72 तरह की बीमारियों का ये पेट के रोग ही कारण बनते हैं। दोस्तों क्या आपको जोड़ों व घुटनों के दर्द की समस्या है या आपके शरीर की हड्डियां कमजोर हैं और आप अपने शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं? दोस्तों तब भी आपको सिर्फ एक चम्मच को हर रोज एक चम्मच घी में भूनकर उसका सेवन करना चाहिए। और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे कि आपको जोड़ों और घुटनों के दर्द की समस्या नहीं रहेगी, आपका ये दर्द बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा और दोस्तों आपके शरीर की हड्डियां भी मजबूत बन जाएंगी वज्र के समान। और दोस्तों यह तो आप जानते ही हैं कि यदि आपके शरीर की हड्डियां मजबूत होंगी तब आपको जोड़ों और घुटनों या हड्डियों से जुड़ा कोई भी दर्द नहीं होगा क्योंकि ये नुस्खा कैल्शियम का खजाना है और आपके शरीर की कैल्शियम की कमी का भी इलाज करता है। दोस्तों क्या आपको अनिद्रा की बीमारी है? और दोस्तों ये एक अनिद्रा की बीमारी हमारे पूरे शरीर को बीमारियों का घर बनाकर रख देती है तो दोस्तों ये नुस्खा उसके भी इलाज है। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके एक चम्मच को देसी गाय के घी में भूनकर उसका पाउडर बनाकर रात को सोते समय एक गिलास दूध में उसको उबालकर उसका अपने सेवन करना है। और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे आपकी अनिद्रा की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी और आपके शरीर के बहुत तरह के रोग अपने आप ही सही हो जाएंगे। क्या दोस्तों आपकी आंखें कमजोर हैं या आपकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है और आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं तब भी दोस्तों ये नुस्खा आपके लिए वरदान है क्योंकि यदि आप इस नुस्खे को हर रोज बनाकर घर पर सेवन करेंगे तब इससे आपकी आंखों की रोशनी 6x6 हो जाएगी और आपकी आंखों से चश्मा हमेशा हमेशा के लिए उतर जाएगा। इसके लिए आप सिर्फ एक चम्मच को गाय के घी में भूनकर खा सकते हैं या उसको दूध में उबाल कर भी उसका सेवन कर सकते हैं जैसे कि हमने आपको अनिद्रा के लिए बताया। बस अनिद्रा के समय आपको इसका सेवन रात को सोते समय करना है और आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए आपने इसका सेवन सुबह बासी मुंह सुबह खाली पेट करना है। दोस्तों क्या आपको डायबिटीज की बीमारी है और आप अपनी इस शुगर की बीमारी को कंट्रोल करना चाहती हैं तो दोस्तों तब भी ये नुस्खा आपके लिए एक वरदान की तरह काम करेगा क्योंकि दोस्तों इस नुस्खे को लेने से आपका पेट देर तक भरा रहेगा और यदि आपका पेट देर तक भरा रहेगा तो शुगर के मरीजों को सबसे पहली दिक्कत तो ये होती है कि उनको बार बार भूख लगती है, उनकी ये इस समस्या का इलाज करेगा और दूसरा वो अधिक खाने से बच जाएंगे
इससे उनका शुगर लेवल भी हमेशा कंट्रोल में बना रहेगा। दोस्तों, क्या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आपको हार्ट अटैक के आने का डर है, या आपको हार्ट ब्लॉकेज की समस्या है? दोस्तों, तब भी ये नुस्खा आपके लिए वरदान है, क्योंकि यदि आप इसके एक चम्मच को घी में भूनकर हर रोज सुबह खाली पेट उसको खाएंगे तो दोस्तों आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके शरीर में बढ़ा हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल सही होगा, अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, हार्ट ब्लॉकेज खुल जाएगी और आपका हार्ट भी मजबूत बन जाएगा। यानी ये हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज और कोलेस्ट्रॉल की समस्या का इलाज करेगा। ऐसा है ये चमत्कारी नुस्खा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारी जो मुख्य औषधि है जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे, वो है दोस्तों बबूल की गोंद। और दोस्तों, आपने बबूल की गोंद के बारे में सुना तो जरूर होगा, क्योंकि इसके फायदे ही इतने हैं। या आपने सौंधे वगैरह में इसको मिलाकर खाया होगा या और किसी तरीके से इसका सेवन किया होगा, लेकिन आज हम इसको खाने का आपको सही तरीका बताते हैं। दोस्तों, आपने क्या करना है, एक चम्मच गोंद लेना है। यह आपको किसी भी पंसारी से मिल जाएगा, या मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इस गोंद को हल्की सी धूप में सुखा लेना है, और सूखने के बाद आपने फ्राई पैन लेकर, जैसे कि हमने लिया, एक चम्मच घी डालना है और उसमें इस गोंद को डालकर अच्छी तरह से भून लेना है। दोस्तों, इसको आपने अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि यदि आप इसको अच्छी तरह से नहीं भूनेंगे तो ये कच्चा रह जाएगा, ये दोस्तों फूल जाएगा, जैसे कि ये हमारा हो गया। अब ये हमारा रेडी है, तब हमने इसको आग से उतार लिया। अब इसको ऐसे ही सुबह बासी मुंह खा सकते हैं, सुबह खाली पेट खा सकते हैं। या इसको खाने का दूसरा तरीका यह है कि आपको, आप इसको किसी भी ग्राइंडर में डालकर इसका पाउडर बना लें, जैसे कि ये हमने बना लिया। अब आप इसको एक गिलास दूध उबालकर उस दूध के अंदर मिक्स करके खा सकते हैं, या आग के ऊपर भी इसको डालकर मिला सकते हैं। दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, आप भी इस बबूल की गोंद का सेवन आज से ही शुरू कर दीजिए और अपने पूरे शरीर को बिल्कुल निरोगी बना दीजिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।